स्वागत है दोबारा हमारे वीडियो लेक्चर्स में। इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में बेंच टेरेसिंग हमारा कंटिन्यू था। यहाँ पे देख रहे हैं मेंटेनेंस ऑफ बेंच टेरेस से। आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ बेंच टेरेस द नेक्स्ट स्टेप गोज टू इट्स मेंटेनेंस। नॉर्मली द फॉलोइंग पार्ट ऑफ बेंच टेरेस आर इक्विप्ड रिक्वायर्ड वेरी केयरफुल मेंटेनेंस। फर्स्ट अ शोल्डर बन शुड बी प्लांटेड विथ परमानेंट ग्रासेस। ये मेन मेंटेनेंस है जो कि शोल्डर बन के प्रोटेक्शन के लिए है, और शोल्डर बन इसलिए कंस्ट्रक्ट किया जाता है ताकि जो रन ऑफ को ट्रैप किया जा सके और उसके आउटर एज को प्रोटेक्शन मिल सके। तो इससे हमारे मल्टीपर्पज यूज हो जा रहा है। तो जो शोल्डर बन है उसके प्रोटेक्शन के लिए परमानेंट ग्रासेस जो है उसमें ग्रो करते हैं। देन सेकेंड है टॉप पार्ट ऑफ द बन शुड बी अवॉइडेड फ्रॉम प्लॉइंग ऑपरेशन। तो निचला जो पोर्शन है अप सेक्शन पे, उस कंडीशन पे जो बंड का लोअर पोर्शन है वहां पे कल्टीवेशन या फिर प्लॉइंग के ऑपरेशन जो है नहीं होने चाहिए। देन बेटर स्लोप शुड बी प्रोटेक्टेड बाय एस्टैब्लिशिंग डीप रूटेड ग्रास। तो जो स्लोप बेटर स्लोप होता है उसको प्रोटेक्शन के लिए डीप रूटेड ग्रास को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। देन नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ बेंचेस। इट शुड बी डन इन फॉलोइंग रिस्पेक्ट। द टू ड्रेन should be kept open and properly graded. Second, water should not be allowed to accumulate at any part of terrace. Third, all the runoff should be provided to get drained into protected waterway. Fourth, the obstructions such as continuous bonds, etc. are removed regular time interval. Next, the grasses and weeds should be removed from the bench section. फिर ए प्रॉपर ग्रेडियंट शुड बी मेंटेन एंड रीशेप्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। एंड नेक्स्ट है द टीलेज ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म्ड विद केयर सो दैट द टॉय ड्रेन कुड नॉट गेट डैमेज। ये हो गया पर्टिकुलर बेंच के लिए जो कंस्ट्रक्ट किए रहते हैं उसके लिए मेंटेनेंस। उसमें जो टॉय ड्रेन है वो हार्वेस्टिंग के कंडीशन में हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, कोई ऑपरेशन कर रहे हैं क्रॉपिंग के लिए, उससे डैमेज नहीं होना चाहिए। वो जो उसका टो ड्रेन होता है वो प्रॉपरली ग्रेडेड होना चाहिए और ओपन होना चाहिए रेगुलर। जो वाटर है वहाँ पे टेरेस में एक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तक स्टैग्न रह के नहीं रहना चाहिए, वाटर लॉक कंडीशन भी क्रिएट हो सकता है उसका इसमें। देन नेक्स्ट जो रन ऑफ है वो सेफली वाटर वेज तक के या फिर आउटलेट तक के कैरी होनी चाहिए, जिससे कि नॉन सेटिंग वेलोसिटी होनी चाहिए। जो वीड्स या ग्रासेस जो है वो बेंच में ग्रो हो जाते हैं उनको रिमूव करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, और कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन लाइक रेगुलर टाइम इंटरवल पे उनको रिमूव करते रहना चाहिए। और जो प्रॉपर ग्रेड मेंटेन करना चाहिए कल्टीवेशन का ऑपरेशन करने के बाद भी उसको रीशेप कर देना चाहिए फिर। तो ये हो गया। देन मेंटेनेंस ऑफ राइजर्स। The following points are taken into consideration regarding maintenance of risers of bench terrace. इससे पहले तो risers क्या होते हैं वो देख लेते हैं। After constructing the bench terrace, their protection is very essential. Otherwise, they get destroyed. Especially riser require immediate protection. The riser should be shaped to a proper shape and planted with grass. तो राइजर जो है वो एक एलिवेटेड पोर्शन होता है टॉप पोर्शन बन का, उसी पे बोला जाता है राइजर। द प्लांटेड ग्रास ऑन राइजर शुड बी वेल इन ग्रोइंग कंडीशन। वीड एंड वाइंस विच थ्रेट द सर्वाइवल ऑफ ग्रास शुड बी रिमूव्ड। द ग्रास शुड नॉट बी अलाउड टू ग्रो वेरी मच एंड एनी स्मॉल ब्रेक और फॉल इन राइजर मस्ट बी रिपेयर्ड। द कैटल शुड बी नॉट बी अलाउड टू ग्रास द ग्रासेस or temple the risers. The runoff should not be allowed to flow over the risers in inwardly sloping terrace. तो ये हो गया मेंटेनेंस ऑफ राइजर। वैसे आउटलेट के लिए एक क्लीन रखना चाहिए, प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, और जो है मेक श्योर दैट वाटर शुड नॉट गेट फ्लो अराउंड आउटलेट, मतलब आउटलेट से बाहर जो है वो वाटर नहीं जाना चाहिए। इफ देयर इज एनी ब्रेक that must be repaired immediately. And then maintain soil productivity. So
सिंपली इसके जो सॉइल प्रोटेक्टिविटी है टेरेस की वो मेंटेन रखनी चाहिए बाय डीप्लॉइंग, रिपिंग, सब सॉइलिंग मैनुअल से अप्लाई करके, फर्टिलाइजर का यूज करके, और जो प्रॉपर क्रॉप रोटेशन साथ में, और जो एक्स्ट्रा जो कल्टीवेशन या फिर क्रॉपिंग के लिए जो पैटर्न्स अडॉप्ट किए जाते हैं फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए, वो सारी चीज़ें जो अडॉप्ट की जानी चाहिए यहाँ पे भी। देन नेक्स्ट है ब्रॉड बेस्ड टेरेस। अब इसके अंदर वो टू टाइप्स होते हैं, ग्रेडेड टेरेस एंड लेवल टेरेस। अभी तक हम लोगों ने बेंच टेरेस के बारे में देखा, अब यहाँ पे देख रहे हैं ब्रॉड बेस्ड टेरेस के अंदर ग्रेडेड टेरेस के बारे में। दिस टाइप ऑफ टेरेस आर कंस्ट्रक्टेड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रॉड चैनल एंड एम्बैकमेंट्स। These are constructed at suitable interval along the graded contour at gentle slope. These terraces are constructed either with variable or uniform grade, but should be non-erosive, leading to a safe outlet. This type of terrace can be suitably used where ample land and large-scale mechanical equipment are available for construction. ये डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं इसको, या फिर लिमिटेशन भी है कि जो ग्रेडेड टेरेस है सुटेबल होता है, मतलब फेजिबल है इकोनॉमिकली, जहाँ पे लार्ज मैकेनिकल इक्विपमेंट्स अवेलेबल होते हैं, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। इसमें जो है ग्रेडेड टेरेस में ब्रॉड चैनल और एम्बैकमेंट दोनों के कॉम्बिनेशन ही क्रिएट किए जाते हैं। अब ऑब्जेक्टिव की बात करें इसकी, तो फर्स्ट है टू रिड्यूस द स्लोप एंड मिनिमाइज द सॉल्यूशन। ये सभी में होता है, सारे इरोजन कंट्रोल के लिए, टेरेस के लिए बात करें तो। देन टू इंटरप्रेट द इंटरसेप्ट द रन ऑफ एंड डाइवर्ट टू सेफ पॉइंट। देन नेक्स्ट है टू यूटिलाइज द लैंड लेफ्ट बिटवीन टेरेस एंड द रिज ऑफ ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप फॉरेज। ये हो गया। देन नेक्स्ट है लोकेशन एंड कंडीशन फॉर यूज इन ह्यूमिड रीजन वेयर वाटर इरोजन इज प्रॉब्लम एंड ड्रेनेज इज नेसेसरी। उस कंडीशन पे, उस लोकेशन पे जो है इसको अडॉप्ट किया जाता है ग्रेडेड टेरेस को, ग्रेडेड ब्रॉड बेस्ड टेरेस। देन फॉर कल्टीवेशन ऑन द स्लोप नॉट एक्सीडिंग 8% इन इरोडिबल सॉइल एंड ऑन द स्लोप नॉट एक्सीडिंग 12% इन इरोजन रेजिस्टेंट सॉइल। तो ये लिमिट भी है इरोडेबल और नॉन इरोडेबल सॉइल के लिए 8% 12%, और ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सकता है तो 15% तक कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उससे ज़्यादा में इसको अडॉप्ट नहीं किया जाता। देन नेक्स्ट है इन एरिया विथ हाई डिग्री ऑफ मैकेनाइजेशन, तो लार्ज साइज के इक्विपमेंट्स और मैकेनाइजेशन अवेलेबल होते हैं, उस केस में ही इसको यूज किया जाता है। दिस टेरेस इज ऑल्सो नोन एज चैनल टाइप टेरेस। तो ग्रेडेड टेरेस को याद रखना है, यहाँ पे चैनल टाइप टेरेस भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि बहुत एग्जाम में आता भी है। द ड्रेनेज ऑफ एक्सेस रन ऑफ वाटर फ्रॉम द लैंड इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेरेस। ग्रेडेड टेरेस ऑल्सो रिड्यूस द लेंथ ऑफ स्लोप एंड देयर बाय द सॉइल इरोजन एज वेल एज द बोथ आर रिड्यूस्ड। सिमिलरली इट रिमूव्स द सरफेस रन ऑफ विथ नॉन इरेसिव वेलोसिटी एंड ड्रेन इनटू आउटलेट। यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, ये जो है अंडुलेटिंग पोर्शन है उसको ग्रेड करके यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे जो ग्रेडेड टेरेस के लिए देख सकते हैं, सॉइल को कट करके उसी सेक्शन के पास में ही ऊपर की ओर पुट किया जाता है, फिल किया जाता है, और सरफेस को जो है स्लोपिंग लैंड जो है उसको एक स्लोप में मेंटेन रखा जाता है, लेकिन उसको कट और फिल जो है वो स्टेप से चैनल के टाइप से क्रिएट किया जाता है, ये देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे अगर इस सेक्शन से या इस स्लोप से जो फ्लोइंग वाटर आता है तो इस चैनल में ट्रैप होके, और अब इस पर्टिकुलर चैनल में भी एक स्लोप मेंटेन रहता है राइट या लेफ्ट साइड पे, जो कि पूरे के पूरे वाटर को नॉन इरोसिव वेलोसिटी के साथ में कैरी करके आउटलेट कंडीशन तक के ले जा सकते हैं। अब वैसे ही इसमें बहुत सारे कंस्ट्रक्ट किया जाता है थोड़े थोड़े गैप में, ये कुछ डिस्टेंस पे दूसरा जो है चैनल क्रिएट किया गया, जिससे कि सिमिलरली इस पोर्शन पर फॉल होने वाला रेनफॉल या फिर वाटर जो है वो इस चैनल से रिमूव हो जाएगा। तो ये हो गया ग्रेडेड टेरेस। अब लेवल टेरेस में यहाँ पे देख सकते हैं, एक सेक्शन से कट किया गया और दूसरे सेक्शन में फिल करके उसमें बंड बनाया गया,
ये जो ऊपर की है वही है ब्रॉड बेस्ड टेरेस, ग्रेडेड एंड लेवल। ये हो गया ग्रेडेड और ये हो गया लेवल ब्रॉड बेस्ड टेरेस। लेवल टेरेस में सिमिलर है जो कि बेंच टेरेस में वर्क करते हैं, वैसे ही इसमें भी यहाँ पे भी है। Sometimes the graded terrace is also used as drainage channel and is referred as drainage terrace. तो जिस कंडीशन पर ड्रेनेज की जैसे यूज किया जा रहा है उस कंडीशन पर ग्रेडेड ब्रॉड बेस टेरेस को ड्रेनेज टेरेस भी बोला जाता है। दिस टेरेस आर सुटेबल फॉर द एरिया वेयर लैंड स्लोप वेरीज फ्रॉम 3 to 10%। अब यहाँ पे ड्रेनेज टेरेस की बात हो रही है। देन सेकंड है परमिटिविटी ऑफ सॉइल इज लो, फील्ड इज डिसेक्टेड बाय द गलीज एंड डिप्रेशन, फॉर द कंट्रोल कल्टीवेशन इज इनसफिशिएंट टू कंट्रोल द सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। तो ये हो गया, ये चार जो रिक्वायरमेंट होती है ग्रेडेड टेरेस की कंस्ट्रक्शन के लिए। और ये ड्रेनेज टेरेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ग्रेडेड टेरेस की रिक्वायरमेंट है जो चारों दी हुई है। देन नेक्स्ट है लेवल टेरेस। लेवल टेरेस आर कंस्ट्रक्टेड फॉर कंजर्विंग द मॉइस्चर कंटेंट एंड कंट्रोलिंग द सॉइल इरोजन। दिस टेरेस आर मोस्ट सुटेबल इन लो टू मॉडरेट रेनफॉल रीजन। तो ये हो गया जो इम्पोर्टेंट, जो कि याद रखने है, मेमोराइज करने लायक है। लेवल टेरेस जो है वो मोस्ट सुटेबल इन लो टू मॉडरेट रेनफॉल रीजन बिकॉज दे आर कैपेबल टू ट्रैप एंड होल्ड द रेन वाटर ऑन द टॉप विच गेट्स इन्फिल्ट्रेट इन टू द सॉइल प्रोफाइल। सच टेरेस कैन ऑल्सो बी यूज ऑन परमेबल सॉइल फॉर द सेम पर्पज। एम्बैकमेंट ऑफ दिस टेरेस इज कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ एक्सकेवेटेड सॉइल from the earthwork of the channel by putting both side of the channel. The height of embankment should be such that the run of water could not overlap it. तो यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं कि इसमें जो है कट सॉइल से एक पोर्शन को फिल करते हुए यहाँ पे एक जो है बंड भी क्रिएट किया जाता है, एक एलिवेटेड पोर्शन क्रिएट किया जाता है जिससे कि वाटर यहाँ पे ट्रैप हो सके टेरेस में ही। The conservation terraces are normally found suitable where, इसको याद रखना है यहाँ पे लेवल टेरेस को कंजर्वेशन टेरेस भी बोला जाता है, ब्रॉड बेस टेरेस में आता है लेवल टेरेस जो है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है कि बेंच टेरेस में भी लेवल टेरेस होता है और यहाँ पे भी ब्रॉड बेस टेरेस में भी लेवल टेरेस है, ठीक है। ब्रॉड बेस टेरेस के लेवल टेरेस को बोला जाता है कंजर्वेशन टेरेस। इसके लिए रिक्वायरमेंट है रेनफॉल इज लो, रेनफॉल इंटेंसिटीज आर नॉट एक्सेसिव, लैंड स्लोप इज लेस देन 6% एंड इन्फिल्ट्रेशन एज वेल एज परमेबिलिटी आर इनफ टू एब्जॉर्ब द वाटर। ये रिक्वायरमेंट होती है। ये चार कंडीशन जहाँ पे सेटिस्फाई करता है वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है कंजर्वेशन टेरेस या फिर लेवल टेरेस को। तो ये हो गया नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं फिर डिजाइन ऑफ ग्रेडेड टेरेस से। इस वीडियो में बस इतना ही, गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।